नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप लोग WhatsApp यूज करें तो ये मैसेज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब आप में से बहुत लोगों ने एक अनुभव कर लिया होगा या काफी लोग अभी बाकी है कि जिसको ये बैड एक्सपीरियंस होना बाकी है। अब सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं कि मेरा दोस्त जो फिलहाल MNC में वर्क कर रहा है, जो हाईली एजुकेटेड है, और वो जानता भी था ये मैसेज के बारे में कि ये मैसेज से क्या क्या होता है, ये मैसेज कैसा, ये मैसेज फ्रॉड है, फिर भी उसका बैड एटीट्यूड और थोड़ा बहुत खुद को स्मार्ट समझना, सो वो ट्रैप में फंसते जाते हैं। उसके साथ एक बड़ा अमाउंट का फ्रॉड हो जाता है। सो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप एक अननोन नंबर से आपको ऑडियो क्लिप और एक फोटो भेजा जाता है, और ऑडियो क्लिप में आपको एक शुभकामना देते हुए कहा जाता है कि मैं KBC से कस्टमर ऑफिसर, कुछ नाम बताते हैं और अपना लोकेशन बॉम्बे का बताते हैं, और उसमें बहुत सा बात करते करते आपको इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया जाता है कि आपको ये इमेज में हमारे मैनेजर का नंबर दिया है, आप उस पर नॉर्मल कॉल ना करते हुए, बिकॉज नॉर्मल कॉल उस पर लगता भी नहीं है, सो आप नॉर्मल कॉल ना करते हुए आप उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग करिएगा, और व्हाट्सएप मैसेज आप हमारे मैनेजर से कन्वे करिए, वो आपको फर्दर डिटेल बताएंगे कि आप किस तरह से आपका पैसा ले सकते हो। सो वो दोस्त जो अपने आपको स्मार्ट समझ रहे थे, सो वो बंदा क्या करता है कि जो इमेज में जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग करता है। सामने से एक जनाब बात करते हुए अपने आप को SBI का मैनेजर बताते हैं और अपना भी लोकेशन सेम मुंबई का ही बताते हैं। सो बहुत सारा बात होता है। फिर मेरा जो दोस्त वो थोड़ा बहुत पूछता है कि मतलब सर मेरा नंबर कैसे सिलेक्ट हुआ, मेरा मतलब नंबर कैसे आपके पास आया, और ये सब बहुत सारी बातें होते हैं। सो वो भाई वहाँ से बोलते हैं कि मतलब ऐसा अलग अलग हम लोगों ने रेंडमली सिम कार्ड उठाए थे या वहाँ से, और देख रहे थे कि मतलब कौन मतलब किसको हमारा ये बेनिफिट मिल सकता है। सो उसमें रेंडमली आपका व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है और फिलहाल जो कुछ बातें हैं वो हमारे आपसे कर रहे हैं। सो ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं। फिर मतलब ये बंदा पूछता है कि सर अगर मुझे मेरे पैसे 25 लाख चाहिए तो कैसे ले सकता हूँ। सो वो मैनेजर बोलते हैं कि सबसे पहले आपको 25 लाख का कुछ टैक्स पे करना होगा, उसके लिए आपको 2500 रुपये हमारे इस नंबर पर भेजना होगा। सो ये भाई MNC वाले थोड़े बहुत पैसे वाले, थोड़ा एटीट्यूड भी बैड, सो ये 2500 रुपये भेज देते, देखते कि भाई क्या होता है, जानने के लिए कि भाई देखो क्या क्या होता है आगे। सो ये जनाब 2500 रुपये अपने सेंड कर देते हैं उनको, और साथ ही में फिर सामने से फिर से कॉल आता है व्हाट्सएप कॉलिंग वहाँ बॉम्बे से। वो कहते हैं कि आपके 2500 रुपये रिसीव हो गए, अब आपको आपका पासबुक और साथ ही में आपको पान कार्ड का नंबर भेजना होगा, बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट मतलब फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसके लिए कुछ कुछ आपको पान कार्ड रिक्वायर्ड हो गया है। सो ये जनाब अपना पासबुक का फोटो भी भेज रहे और साथ ही में पान कार्ड भी भेज रहे हैं। अब जिस दिन वो भेज रहे शायद दोपहर का टाइम था, सो शाम तक वो जनाब उसके साथ मतलब फर्दर कम्युनिकेट कर ही रहे, व्हाट्सएप कॉलिंग चल रहा है, तो इसको थोड़ा बिलीव आने लगा कि भाई कुछ होगा। सो बात चलते रही। अब दूसरे दिन ऐसा हो रहा है कि दूसरे दिन शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम पे ये भाई के अकाउंट में से लगभग 25,000 रुपये जिसने कट हो जाते हैं। अब इसको मतलब शौक हो रहा है, अब मतलब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अपने वो ट्रैप में फंस गए। सो ये जनाब मुझे कॉल करते हैं, बोल रहे कि मतलब ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो मैं उसको पूछा कि मतलब तेरे अकाउंट में अब कितने पैसे, तो कि 20,000 मिला, सबसे पहले पैसे हटा ले वहाँ से। सो ये भाई वो 25,000 रुपये 20,000 रुपये कुछ अकाउंट में फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर चालू करते ट्रैप करना कि वो बंदा कहाँ का था। अब भाई वो भले कोई भी हो, भले वो मतलब इतने एजुकेटेड नहीं होते, बट जो सिस्टम पे वो लोग काम कर रहे उसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और व्हाट्सएप कॉलिंग को सैटेलाइट कॉल होता है, उसको जल्दी से ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। सो कुछ ऐसा सीन हुआ था, और सो मुझे लगा कि आप में से बहुत से लोग जो अभी भी वो दोस्त जैसा एटीट्यूड रखते हो कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और ये वीडियो के अंत में मैंने एक ऑडियो क्लिप, एक जो पूरा रिकॉर्डिंग, जो पूरा मैसेज आया था वो भी ऐड किया है, आप जरूर से सुनिएगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, और आपके हर एक दोस्त भले वो पढ़ा लिखा है या नहीं है या MNC में वर्क कर रहा है, सो आप जरूर से उसको वीडियो शेयर करिएगा और बताइएगा कि मतलब किस हिसाब से ये चीज़ में मतलब थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। और मैं नहीं जानता और आप में से बहुत लोग नहीं जानते कि हमारा नंबर एक्चुअल में लोगों का पहुंचता कैसे है, शायद उस पर काम करने की काफी जरूरत है। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ, कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है, उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए, और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए।
ओके थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।